बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। डेट आप लिखिए बच्चों इस वर्कशीट की 9 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बच्चों तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हमारे पास क्या है। चैप्टर का नाम आपने लास्ट वर्कशीट में किया था, वही कंटिन्यू हो रहा है। इसमें चैप्टर का नाम था हमारा 3 questions एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे चैप्टर को पढ़ना है और उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहले मैं आपको पूरी वर्कशीट ओवरव्यू करा देती हूँ। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ आपको फोटो दी गई, उसको आपको फिल करना है। सेकंड में आपको मैच इट करना है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट थर्ड में आपको यहाँ पे भी आपको मैच इट करना है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, यहाँ पे इसको आंसर मैच इट करना है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो आपके पास 4 questions है, तो हम फर्स्ट वन बाय वन इनको करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राइट द 3 questions दैट वर आस्क्ड बाय द किंग। तो आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा होगा कि जो राजा है वो 3 questions के आंसर जानना चाहते हैं, अब जिससे वो क्या है कभी भी अपने किसी भी काम में वो असफल ना हो पाए। तो इसके आंसर आप देखते हैं क्या क्या थे इसके आंसर। तो इसके आंसर क्या थे बच्चों, एक तो पहली चीज़ वो क्या जानना चाहता था, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी काम को करने का सबसे सही समय कौन सा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन था उसका। सेकंड क्वेश्चन था राजा का, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, अगर वो कोई काम करना चाहता है कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो वो करे। नेक्स्ट था थर्ड क्वेश्चन, वो वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, और संसार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान कौन सा है, ठीक है। तो ये 3 questions थे जो राजा जानना चाहता था, ठीक है। तो आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, तीनों के तीनों आप इसमें फिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे इस वर्कशीट का। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर शोन बिलो। तो यहाँ पे कि आपके पास पिक्चर दी गई है, आपको इसके मीनिंग के साथ इसको मैच करना है। एक आपको करके दिखाया गया, जैसे कि ये क्या है, ये आपको किंग है, किंग मतलब रूलर, इसका मीनिंग दिया गया साथ में। तो आपको इसका फर्स्ट करके दिखाया गया। नेक्स्ट आपको क्या है, ये मैजिशियंस है, देखो इसके पास एक छड़ भी है जादू की, ठीक है, मैजिशियन यानी कि विजार्ड। तो आप इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है, आपका सेकेंड से मैच हो गया। नेक्स्ट आपका ये है आपका हर्मिट, हर्मिट मतलब जो सन्यासी होते हैं, ठीक है, जो अपना जीवन अकेले व्यतीत करते हैं, तो ये आपका हर्मिट हो गया यानी कि सेज। तो आप इसमें थर्ड से मैच कर देंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका है, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द कॉलम बिलो। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन से हाँ से यहाँ पे आपको फिल करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग है, आंसर गिवन बाय द अदर लर्न एडवाइसमेंट, जो क्वेश्चन राजा पूछता है वो यहाँ पे दिए गए हैं, और जिस क्वेश्चन जो राजा क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर क्या लोगों ने दिया वो आपको यहाँ पे फिल करना है। एंड पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गए, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट या वो वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है राजा, व्हाट वाज द राइट टाइम। तो राजा क्या जानना चाहते हैं, व्हाट वाज द राइट टाइम आएगा यहाँ पे, व्हाट कर देंगे, और क्या टाइम है सबसे सही एक्शन करने का। तो इसमें आप लिखेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, आपको टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और मैजिशियन कुटेल, और उसने कहा कि जादूगर ही ये बता सकता है, तो आप इसको फर्स्ट में फिल कर देंगे, पूरा आपको लिखना है एज इट इज़। नेक्स्ट है डैश, वो वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, तो इसमें वो इसने फिल किया हुआ है, तो यहाँ पे वो लिखेंगे, और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा इसने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका सेकंड का था, ठीक है। उसने बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीपल है, डॉक्टर है इंपॉर्टेंट पर्सन, जो पुजारी है वो है, काउंसिलर है, और सोल्जर, ये सभी क्या हैं, लोगों ने बताया कि ये सभी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपल हैं। नेक्स्ट डैश, व्हाट एंड वो वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, तो यह पाएगा व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, तो यह पाएगा व्हाट, ठीक है, व्हाट आप फिल कर देंगे और इसका आंसर आप लिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ज़रूरी, तो ये था इसका, ये है कि आपको साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, और या फिर लड़ाई करनी चाहिए, तो आप ये थर्ड में कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको 1 2 3 करके इस प्रकार ये पूरा बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है, इसमें से कुछ भी आपको कट नहीं करना है, थर्ड में रहेगा तो यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट, फोर्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट वर द आंसर गिवन बाय द हर्मिट, जो सन्यासी था उसने क्या क्या आंसर राजा के क्वेश्चन के दिए। तो फर्स्ट है द राइट टाइम टू डू समथिंग इज डैश नाउ और देन, तो सभी किसी काम को करने का सबसे राइट टाइम कौन सा बच्चों, नाउ, जो काम आप अभी करें वही सबसे इंपॉर्टेंट
टाइम है। सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज डैश, तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है जिससे आप इस टाइम बात कर रहे हो, द पर्सन यू आर विद, जिसके साथ आप अभी हो। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज, सबसे जरूरी काम कौन सा है, टू गुड इज डू गुड टू अदर, दूसरों के साथ भला करना, तो इसमें आप लिखेंगे गुड। तो बच्चे पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है, आई होप कि आपको समझ में आएगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।